सभा की कार्यवाही स्थगित की। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में जांच तेज हो गई। दिल्ली पुलिस अब आरोपियों के बैंक खाते खंगाल रही है। पुलिस इस जांच में जुटी है कि क्या आरोपियों के बैंक खातों पर कोई डिजिटल लेन देन हुआ था या नहीं। यही नहीं, आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि आरोपी किन लोगों से संपर्क में थे। पुलिस ने मेटा से इन आरोपियों के अकाउंट्स की डिटेल मांगी है। इनमें भगत सिंह फैन क्लब नाम से बने अकाउंट पर जांच में पुलिस ज्यादा जोर दे रही है। इस अकाउंट को बाद में डिलीट कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी ने कोलकाता के एक शख्स को इस घटना का वीडियो भेजा था। पुलिस इस शख्स को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा संसद की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस कर्मियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। इनमें वो 8 सुरक्षा कर्मी भी शामिल है जिन्हें घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था। साथ ही साथ सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जा रही है। इस बीच पुलिस ने साजिश में इस्तेमाल किए गए टूटे फोन भी बरामद किए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि घटना के मास्टरमाइंड ललित झा ने इन्हें राजस्थान के नागौर में लाकर जला दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फोन उस गेस्ट हाउस के पास से बरामद किए हैं जहां ललित झा रुका था। ललित झा ने पुलिस को बताया था कि उसने अपने 5 सहयोगियों के फोन जला दिए थे। हालांकि पुलिस को अभी तक ललित झा का फोन नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि आरोपी भगत सिंह की विचारधारा से प्रभावित होने की बात कहकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।